मेरी जो टीम के मेंबर हैं उनमें वो भी बच्चे से आए थे यंग से, उन्हें ये समझाया जाता था यार ये एमडी सर हैं, एमडी सर भाई खड़ूस होते हैं, इनके साथ ज़्यादा देर ना बैठना। मेरी बिटिया वो कहती है पापा हम मशहूर हो गए, वो मशहूर हो रहे हैं। तो कहीं चीज़ों की वाइब्स देखनी होती है आपको कि जहाँ से आप पॉजिटिव वाइब जैसे जैसे ढूंढ लोगे वहीं से सब कुछ हो जाएगा। मालक बंदे की आप गल करिए हर कोई सोचता है कि साडे तरीके दे नाल एम्प्लॉइज चलन, जो असीं कहता हूं मतलब पत्थर की लकीर है, बट इत्थे तुहानूं बराबरी भी मिली हुई है एम्प्लॉइज तो, जैसे कि आपको पता ही है कि बोलते ही नहीं है, तो यहाँ तो हमें इवन डायरेक्टर्स भी बना दिया है। हमने तो ये चीजें सोची भी नहीं थी कि हम इतनी कम एज पे डायरेक्टर भी बन जाएंगे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड होती है। अभी क्या होता है कहीं घरों में शादियां कर देते हैं कि हस्बैंड आएगा वो कमाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट होती नहीं, वो पता नहीं होता उसका हस्बैंड अगर कहीं 1,000 भी 10,000 भी कहीं खर्च कर देना तो उसको परेशानी हो जाती है, उसको ये परेशानी हो जाती है कि यार मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी उसका क्या होगा, मेरा भला का क्या होगा। तो इसलिए गर्ल्स को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बहुत से ना व्यूअर्स जिन्होंने थोड़ी कहानी सुनी है वो ये भी सोच रहे कि यार असी तो जॉब करने लग जाने सानू नाल दी ना गड्डी मिल जूगी, मतलब इदां दा भी कुछ होया है हले तक या नहीं? मैम वो आना जाना तो मैं कहता हूँ कि किसी का ये पल का नहीं पता, आज से मतलब आज से 6 घंटे 10 घंटे पहले मुझे नहीं पता था कि मैं आपके साथ होऊंगा। तुसी ना उन्होंने भी कार दी जिन्होंने गड्डी चलानी तक नहीं आती, सो इज इट राइट? किसी को नहीं आती थी, किसी ने मतलब किसी को हल्की फुल्की आई, एक ने तो अभी आते ही मतलब ठोक भी दिया गाड़ी, पर वो ये ना सीख ले गए पर जब सिर पे आई गाड़ी, क्योंकि ऐसे 2-3 दिन के गैप में आई, जैसे किसी की पहले किसी की, तो कईयों को तो बाद में पता चला कि मतलब अब मेरे को गाड़ी मिल रही है, कईयों को पता। मतलब जिदा मैं इंट्रोडक्शन विच कहा कि दिल दा अमीर होना बहुत वड्डी गल हुंदी है, सो की कहना चाहोगे? हमारे सर बहुत अच्छे हैं और हमारा ख्याल भी रखते हैं, हमें समझते हैं और हमारी केयर भी करते हैं। सो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तुसी दसदे हो कि नहीं तुसी साडे नाल इस प्रोजेक्ट विच शामिल हो, बिकॉज योर बॉस इज सो गुड सो काइंड एंड मतलब इन्नी हेल्प भी करते हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि अज दे टाइम विच कुछ इन्ने गिफ्ट्स वगैरह तुहानू किसी भी इंप्लॉय नू मिलते हैं। मैम हमें नहीं बोलना पड़ता, वो खुद बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमें अपनी कंपनी में लगवा दो वो खुद हमारा कल्चर देख के इतने इंस्पायर्ड हो जाता है, बिकॉज सर सोशली बहुत एक्टिव हैं तो सब कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं, तो वो खुद ही बोलते हैं कि हाँ हमें भी आपकी कंपनी ज्वाइन करनी है। सो जो ये वर्ड है एम्प्लॉय वर्सेस सेलिब्रिटी, सो ये तुहानू किन्ना अच्छा लगता है? बिकॉज अजकल ना मालक बंदे की आप गल करिए हर कोई ये सोचता है कि साडे तरीके इंप्लॉयज चलन, जो असी कहता हूँ मतलब पत्थर की लकीर है, एंड दे डोंट लाइक एक होंगे ना कि बराबरी कट देंगे है, बट इतने तुम्हें बराबरी भी मिली हुई है और मिलया होया, सो किवें फील होता? मैम बहुत अच्छा फील होता है यहाँ तो, मतलब इंप्लॉयज तो जैसे कि आपको पता ही है कि बोलते ही नहीं है, तो यहाँ तो हमें इवन डायरेक्टर्स भी बना दिया है, हमने तो ये चीज़ें सोची भी नहीं थी कि हम इतनी कम एज पे डायरेक्टर भी बन जाएंगे, तो सर ने जो जो अच्छा करते गए उनको डायरेक्टर बनाते गए सर, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड होती है। सो सर तुसी मैं हुन इन्हां नाल गल कीती तुसी इन्हां नूं डायरेक्टर्स भी बनाता है, ये राज की है? हाँ जी हाँ जी, ये भी तो मैम फिर वही बात, मेरा ड्रीम जो है मिट्स को एक इंटरनेशनल कंपनी बनाना, टॉप मतलब फॉर्च्यून कंपनीज में लेके आना, ये मेरा बचपन का सपना है। मेरा एक और सपना है कि हम विकीपीडिया पे आए, अभी वायरल हो गए हैं तो मुझे उम्मीद है विकीपीडिया में भी आ जाएंगे। डायरेक्टर बनाने का मतलब मैम, मेरे को डायरेक्टर किसी ने बताया कैसे होता है, मैंने सीखा कंपनियाँ बनानी है मेरी, मैं अगर आपको बताऊँ मेरी क्वालिफिकेशन बहुत कोई हाईफाई नहीं है, पर सपने मेरे हाईफाई रहे, और मैं बॉम्बे गया, वहाँ से सपने, बचपन की बड़ी कहानी है, मतलब आप जल्दी में हो और नेक्स्ट टाइम आइएगा, बहुत तगड़ी कहानी है। तो एक आखिरी सवाल करूंगी, जिवें मैं अजकल दे अगर जिवें आप कहने ना जो भी आप कोई काम शुरू कर देना, अगर सोचो मैं ही काम शुरू किया है, आई थिंक बहुत घट लोग है जिन्हों का दिल इन्ना व्डा हैगा कि आपके इंप्लॉयज या जो तुम वर्ड सारे सैलैब्रिटीज अपने सैलैब्रिटीज अपनी फैमिली नू गिफ्ट करते हैं, राइट? सो इदा का ना दिल बहुत घट लोगों का होंगे, सो खासकर ना फैमिली जी, अगर मैं सोचा अगर मैं ही गिफ्ट किया तो मेरी फैमिली भी एक टाइम क्वेश्चन करने लग जाती है। यस आंसर थोड़ा इनको भी आगे आ जाए, यस बिकॉज फैमिली आंसर बहुत अच्छा दिया आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इसका असर फैमिली पे क्या पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बल्कि बिल्कुल पड़ता है, यही मैं कह रहा हूँ। जो मैम बस आप एक मिनट प्लीज पास आ जाओ, मैं आगे नहीं बुला रहा,
इसका फर्क पता क्या पड़ता है, मैंने अभी क्या कहा था, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं। मेरी जो मदर है वो एक्सपायर हो गई थी, मेरे साथ कुछ और हुआ, मेरी मतलब फिर मेरे साथ कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, मैंने कहा मैं क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, बट कुछ सोचने की आदत है और कुछ पॉजिटिव ढूंढने। अगर लेडीज़ गर्ल्स अपने पैरों पर खड़ी होगी, 90% डिप्रेशन ऑफ द सोसाइटी खत्म हो जाएगा। अगर मतलब मेरी बात सुनो, कई ऐसे लोग हैं उन्हें कमाना नहीं आया, हमारी टीम ने बनना सीखा, कमाना सीखा, काम करना सीखा, और एक अभी डायलॉग भी बताऊंगा। और अगर अगर वो लेडीज़ पैरों में पैसा कमाना आ जाए ना, अभी क्या होता है कई घरों में लेडीज़ इसी लोगों की शादियाँ कर देते हैं कि हस्बैंड आएगा वो कमाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट होती नहीं, वो पता नहीं होता उसका हस्बैंड अगर कहीं 1,000 भी 10,000 भी कहीं खर्च कर दे ना, तो उसको परेशानी हो जाती है, उसको ये परेशानी हो जाती है कि यार मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी उसका क्या होगा, मेरा भला का क्या होगा। तो इसलिए गर्ल्स को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मैसेज है। बट मेरे सवाल का मेरा सवाल ये सी सर कि तुम्हारी फैमिली का रिएक्शन की सी? यस, ये बता चुका हूँ कि इसको इससे ज़्यादा हिंट ना पूछो अभी के लिए, अभी मैं इशारा हो रहा था कि दिक्कतें सबको आती है, वो मैं दिक्कतें का जिक्र नहीं कर सकता, मतलब ये किस्मत की बात है, अब तक किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा इतने इंटरव्यू में, ये बहुत राइट आंसर सर, राइट बंदों के सामने पूछा है, बहुत दिक्कतें हैं। अगर मैं वही कह रहा हूँ, गर्ल्स लेडीज़ अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो ये डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं डिप्रेशन मुझे भी आया और उससे निकल कर भी कुछ राइज हुई है, कुछ कहानी है, वो बाद में बताएगी ब्रेक के बाद। लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर मतलब तुसी कुछ मैसेज देना चाहो उन लोगों नू जो अपने फैमिली नू जिवें ट्रीट नहीं करते, बिकॉज तुसी बहुत ज़्यादा काइंड हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, जिवें तुहाडी सारे ने तारीफ की कि एक फैमिली वर्गा माहौल है, बट बहुत घट लोग होंगे जो ये चीज़ करते, बिकॉज उन्होंने लगता कि इंपलॉयज़ है ना साढ़े कि असी दबा के काम करिए, असी मतलब दबा के काम करा तो शायद वो लोग साड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे। उसका रीज़न बताऊँ, वो मैसेज मैं चाहवागी कि तुसी दोगे तो बहुत वधिया। उसका रीज़न बताऊँ, वैसे हमने 5 नाम रजिस्टर्ड कराए कंपनी के, एक नाम मैंने करवाया है, बहुत दिलचस्प बात है जो इसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। उस फिल्म का नाम है मेरा क्या कसूर, वो फिल्म हमें लॉन्च करनी है। उस फिल्म में क्या कहानी है, एक बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मम्मी को लगता है वो पापा की तारीफ़ करने बोलने लगता है, समझने लगता है, पापा की तारीफ़ करने लगता है, या पापा को लगता है, हालांकि हम भी करते हैं अपने घरों में, यार तू पापा से ज़्यादा प्यार करता है, मम्मी से ज़्यादा प्यार करता है, बच्चे से कैसे, आपके भी पेरेंट्स ऐसे करते होंगे, है ना। क्या होता है, जो अपने आप को कंट्रोल करने की आदत बचपन से सीखी है, लोग पता क्या करते हैं, यार ये उस हमारे हाथ से ना निकल जाए, हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो नेगेटिव सीखा जाता है। कोई अपनी बुआ की तारीफ़ कर दें, बुआ की तारीफ़ कर दें तो उसे कहा जाएगा, अरे नहीं नहीं बुआ के अंदर ये कमी है। इंसान कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं सबको एक चीज़ और बोलता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। जब मेरी मूवी आएगी ना मेरा क्या कसूर, उसमें बहुत तगड़ा मैसेज है, जब हम नेगेटिव बचपन से सीखे हैं वो चेंज करोगे, आपको हर जगह पॉजिटिव ढूंढ के लाओगे ना, तभी सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत चंगा लगा, थैंक यू सो मच। सो इसी मेरे एम के भाटिया जी, आई एम श्योर जिहड़ी वीडियो है, जिहड़ा इंटरव्यू है, बहुत इंटरेस्टिंग होया होगा, बिकॉज बहुत घट लोग होंगे जिन्हों का दिल एड्डा वड्डा होंगे कि अपने इंपलॉयज वर्सेस सेलिब्रिटीज़ अपनी फैमिली नूं इदा गिफ्ट दिंदे ने। बोनस एंड सैलरी वधाई तो हर एक कोई करता है, हर एक कोई चाहता साड़ी सैलरी वधे, सानू बोनस मिले दिवाली ते, बट गड्डियां मिलनी इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो तुसी वध तों वध इस इंटरव्यू नूं शेयर करो एंड कमेंट सैक्शन में अपनी राय जरूर दस्यो। कैमरा परसन रमेश दे नाल मैं जसवीर कौर, डेली पोस्ट पंजाबी।